नमस्ते, योग लक्ष्मी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकदम आसान तरीके से स्वादिष्ट और चटपटी कटहल की सब्जी बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए कटहल। मैंने आधा किलो कटहल लिया है और चार आलू को छील के बीच में से काट लिया है और 5 चम्मच सरसों का तेल और टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। यह पेस्ट बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर और 1 प्याज, 1 छोटा अदरक, 6-7 कली लहसुन और 1/2 चम्मच जीरा को मिक्सर जार में डाल के पीस लिया है। मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अब कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डालें और कटहल और आलू डाल के 10 मिनट तक फ्राई करें। इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दें। नमक डालने से आलू और कटहल में नमक अच्छे से घुस जाता है। कटहल और आलू को लगातार कलछुल से चलाते रहें, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद कटहल और आलू को कढ़ाई में से निकालें। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालें। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करें। दो मिनट बाद इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के फ्राई करें। 2 मिनट बाद इसमें नमक डालें। अगर आप चाहें तो नमक और मिर्ची अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। मसाला आप तब तक भूनें जब तक कि मसाला तेल छोड़ दे और इसमें से मसाले की खुशबू आने लगे। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और इसमें से मसाले की खुशबू भी आने लगी है। मसाला भूनने में मुझे 10 मिनट का टाइम लगा है। अब इसमें भुना हुआ कटहल और आलू डाल के फ्राई करें। जब कटहल और आलू में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 2 बाउल पानी डालें। और आलू और कटहल के पकने तक कढ़ाई को ढक दें और सब्जी को पकने दें। 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं कि कटहल पका है कि नहीं। ये देखिए, कटहल पक गया है। अब चेक करते हैं कि आलू पका है कि नहीं। आलू भी पक गया है। ये देखिए, सब्जी का कलर कितना प्यारा आया है। अब गैस बंद कर दे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। स्वादिष्ट और चटपटी कटहल की सब्जी बनके तैयार है। कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।